एक देश और एक टैक्स के साथ जीएसटी के इस युग में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। जीएसटी के इस क्लासरूम से निकल करके हम आ पहुंचे हैं दिल्ली के एक सेंट्रल मार्केट में। ये मार्केट बहुत बड़ा है। यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि अब तक हमने जीएसटी के पहले बाजारों का हाल आपको खूब दिखाया, लेकिन आज यानी कि जीएसटी के पहले दिन क्या हाल है बाजारों का, क्या सवाल है दुकानदारों के, क्या पूछ रहे हैं आप और क्या हालचाल है उन लोगों के जिनके हाथ में आया है जीएसटी का पहला बिल। हम शुरुआत करना चाहेंगे कपड़े की एक दुकान के साथ में, क्योंकि आपको भी पता है कि अब तक कपड़े पर कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब कपड़े पर भी 5% का टैक्स लग रहा है। इस पर क्या रिएक्शन है लोगों का, आइए जानते हैं। सेंट्रल मार्केट में जैसे ही आप एंटर करेंगे एक आपको कपड़े की बड़ी सी दुकान नजर आएगी, लेकिन उसके पहले हम आपको मिलवाना चाहेंगे अपने जीएसटी के गुरु शरद कोहली। इस वक्त मेरे साथ में है क्लासरूम से निकल करके। शरद, कैसा लग रहा है आपको मार्केट में? बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो सुबह सुबह पहला दिन है जीएसटी का। जीएसटीकरण इस कंट्री का हो चुका है। मैंने एक नया शब्द निकाला है, जीएसटीकरण, जैसे सरलीकरण होता है। और हम यहाँ मल्होत्रा साहब की दुकान में हैं और बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर कपड़े रखे हैं, लहंगे हैं, साड़ियाँ हैं, सूट हैं, और मुझे नहीं पता इसमें से मेरे मतलब का तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऑफर भी नजर आ रहा है 20% का। ऑफर भी है, ये ऑफर इनका मुझे नहीं पता पुराना ऑफर है कि ये नया ऑफर है। आइए पूछते हैं इनसे चल के कि ये ऑफर पहले का चल रहा है कि अभी ऑफर लगाया है इन्होंने, और हम इनसे सब जानना भी चाहेंगे कि ये ऑफर कब से चल रहा है। ये 10 दिन से अभी पुराना ऑफर चल रहा है। अभी भी चलेगा भैया ये? जी अभी चलेगा, तो पुराना स्टॉक अभी आप निकालेंगे। अच्छा, वैसे नियम के हिसाब से तो ये है कि जीएसटी आने के बाद आपको उस दिन से जीएसटी के बिल काटने पर, हाँ पुराना कुछ पड़ा होगा तो आई एम श्योर डिस्काउंट वैसे भी तो हो सकता है। आइए हम मल्होत्रा साहब से बात करते हैं जो इस दुकान के ओनर हैं। ये बताएंगे कि इनका कैसा आज सुबह, सर कैसा लग रहा है आपको, जीएसटी युग शुरू हो गया है, क्या कुछ बदला नजर आ रहा है? अभी तो शुरुआत करी है, इंतजार कर रहे हैं कैसा होगा, कस्टमर इंतजार कर रहे हैं क्या बोलेगा वो, लेगा नहीं लेगा। साड़ियों पर अभी तक नहीं था टैक्स, अब लग रहा है, तो इसे आप किस तरीके से आप देखते हैं? तो वो जो जितना टैक्स लगेगा वो पे अपना उस पर करके फिर पे करेंगे। ये सूट है, जैसे देखिए प्रांजलि इसमें दिखाते हैं, देखिए ये सूट है और बाहर से सूट दिख रहा है पर इसमें सिर्फ स्टिचिंग नहीं की हुई है। अगर स्टिचिंग करी होती तो इस पे 12% लग जाता। अब स्टिचिंग नहीं करी हुई है तो 5% लगेगा। तो क्या हम ये समझे सर के लोग प्रेफर करेंगे अब ऐसे सूट लेने में बजाय बने हुए सूट लेने के? देखो ये स्कूल ज्यादा प्रेफरेंस करेंगे, ये सस्ता पड़ेगा। रेडीमेड जो बना बनाया होगा वो महंगा पड़ेगा, 12% शरद हम इसको हम ऐसे समझिए कि केवल ये स्टिच नहीं किया हुआ है इसलिए ये कपड़े की कैटेगरी में आ गया। हाँ, तो ये 5% में जाएगा। हालांकि जब लपेटे हुए लगते हैं तो पूरे सूट दिखाई देते हैं, जब तक आप खोल के नहीं देखें ये नहीं पता लगेगा कि ये स्टिच नहीं, सेमी स्टिच क्या है, तो ये तो बिल्कुल सेमी स्टिच है, सेमी स्टिच है ये, पर पूरा स्टिच नहीं है, पूरा स्टिच नहीं। हाँ, सेमी स्टिच का देखिए। हाँ, अब हमारा जो रेट है वो पहले लगा हुआ है इसके ऊपर, तो इसको हम ना बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात इन्होंने कही, क्यों नहीं बदल सकते, बार कोड में लगा हुआ है, वो भी चेंज नहीं किया है आपने। देखिए हम याद है बात कर रहे थे एमआरपी की, क्योंकि एमआरपी प्रिंटेड है यहाँ पर, याद है हमने क्लासरूम में प्रांजलि एमआरपी पे बात करी थी, आपने कहा था कि इनको बारकोड, मैंने कहा था कि या तीन सिचुएशन होंगी, या तो सेम प्राइस पे बेचा जाएगा, या कम पे बेचा जाएगा, या ज्यादा पे बेचा जाएगा। तो अब ये यहाँ सिचुएशन है कह रहे हैं क्योंकि इनके सिस्टम में अभी तक बारकोड चेंज नहीं हुआ है, तो इनको अभी यही कीमत इसकी रखनी पड़ेगी। यद्यपि हो सकता है इसकी कीमत अब जीएसटी के आने की वजह से कमती बढ़ती हो गई, मैं ऐसा मान रहा हूँ प्रांजलि की जो इनकी समस्या है, ज्यादातर दुकानदारों की यही समस्या होगी कि वो इतना सारा एक एक आइटम का उठा के रेट चेंज करें, घटाएं बढ़ाएं, तो जो पुराना स्टॉक है वो तो मुझे लग रहा है अभी ऐसे ही निकलेगा। और आइए आपको हम जूते की एक ऐसी दुकान पर लेकर जा रहे हैं जहां पे पहले ही लिखा हुआ है, हालांकि ये ईद स्पेशल डिस्काउंट इन्होंने 15% ऑफ डाला है, लेकिन बहुत सारे यहां पे कस्टमर होंगे जो हमसे बात कर सकते हैं कि क्या हाल है जीएसटी को लेकर के। शरद यहां पर भी हमारे साथ में मौजूद हैं, और ये वो शूज़ हैं, वो जूते और चप्पल हैं जो मुझे लगता है या तो 1000 तक में होंगे या फिर उससे भी ज़्यादा अच्छे ठीक ठाक रेट इन पर होगा। मैम कैसा लग रहा है आपको, पहला सवाल तो यही बनता है जीएसटी युग में आकर के कैसा लग रहा है? ये अच्छा नहीं, इतना ज़्यादा चार्जेस नहीं होना चाहिए, किस चीज़ एवरेज आदमी इतना महंगा नहीं ले सकता है सब, ये जो जीएसटी लगा है ये ठीक नहीं है। अच्छा, आपको किसी ने बताया है कि जीएसटी लगने के बाद सब चीज़ें महंगी हो गई, ऐसा बताया गया है आपको? नेचुरली महंगी होंगी शरद।
देखिए जो 500 रुपए से कम के जूते हैं मैम उस पर तो 5% लगाया है, और जो 500 से ऊपर है उस पर 18% लगा दिया है। तो अभी तो क्योंकि आज सुबह ही हुई है तो अभी मुझे नहीं लगता कि इसमें जीएसटी का इफेक्ट इतना शूज़ पे अभी आया होगा, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। जैसा कि मैंने कहा कि अभी जानकारी की कमी की वजह से जो उसका प्रभाव है जीएसटी का वो पूरी तरह से प्राइसेस में अभी शायद ना दिखाई दे। हाँ, कोई दुकानदार उसको, इनके यहाँ जिन भाई साहब के यहाँ आए हैं ये तो कह रहे हैं कि मैं अभी थोड़ा सा इससे अनभिज्ञ हूँ, मैं अनजान हूँ, मुझे नहीं पता है इसका, पर जो लोग पहले से थोड़ी जानकारी रख लेते हैं उन्होंने अपनी प्राइसेस को ऊपर नीचे करा है। पर उसका ग्राहक को नुकसान नहीं होना चाहिए मैडम, की यही कंसर्न है कि क्या इनको महंगा नहीं होना चाहिए? अगर इनके लिए ज्यादा चार्ज लगाएंगे तो वो इनको पसंद, फिर इनको जीएसटी पसंद नहीं आए। 18% अगर लगेगा 500 रुपए से ऊपर के जूते पर भी, तो प्रांजलि उसमें फिर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो शॉपकीपर उनका इफेक्ट देंगे वो आने वाले कुछ समय में कीमतें घटती हुई नजर आएंगी। तो आपसे मैडम हम ये बताना चाहेंगे कि आप डरिए नहीं, शुरू शुरू में थोड़ी अगर प्राइसेस बड़ी दिखी भी बाद में वो नीचे आ जाएंगी, क्योंकि जीएसटी जब आएगा पार्लियामेंट में कल एक स्टेटमेंट दी गई थी जब प्रधानमंत्री दे रहे थे, वही बात कही कि लॉन्ग टर्म वी आर ऑल डेड, पता नहीं कितने दिन में नंबर आएगा तब तक हम पता नहीं होंगे। आप जीएसटी के बारे में पहला दिन है, शुरुआत पहला है, कैसा लग रहा है आपको, क्या करती हैं आप? मैं एज अ प्रोफेसर हूँ। ओके, बट प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इतना अवेयर ही नहीं है कि किस चीज़ पे कितना टैक्स लगा है, और हमारे साथ साथ दुकानदार भी अवेयर नहीं है। आपका अफसाना? अफसाना, आपने कहीं पढ़ने की कोशिश की, जानने की कोशिश की? या मैंने कैसे देखा, आपको बताया जाए कैसे आपको जानने? मैंने न्यूज में भी देखा था और इवन मैंने इसके ऊपर सर्च भी किया है, तो उन्होंने जीएसटी में 4-5 पार्ट में डिवाइड किया, 5%, 10%, 18%, 28%, इस टाइप में आप लोगों ने डिवाइड, गवर्नमेंट ने हमें डिवाइड तो कर दिया है। बट प्रॉब्लम ये है कि किस चीज में कितना कम हो रहा है, कईयों में 0% दिखाया हुआ है, और 500 से जो ऊपर की चीजें हैं जिसमें बताया जा रहा है कि जीएसटी लग रहा है। आप अभी ये जो ले रही हैं क्या प्राइस बताया गया आपको अभी? ये मुझे क्या प्राइस है इनका, प्राइस क्या है? हाँ, प्राइस क्या है मुझे अभी प्राइस भी नहीं पता, प्राइस बताइए इनको, सेल में कितना मिलेगा? 14। अच्छा अफसाना ये बताइए, अगर ये आपको महंगा लगता है तो फिर भी आप लेके जाएंगे? नहीं, अगर आपने लेना ही लेना है, सेल में ले रही है, मुझे लेना ही लेना है, मुझे वैसे लेना ही लेना है, लेकिन हाँ ये है कि ठीक है मैं पहले अपना बजट देखूंगी कि अगर ये मेरे बजट में है तो डेफिनेटली मैं लूंगी। आपने रेट की बात करी, हम आपको शूज की जानकारी दे देते हैं क्योंकि आप शूज लेने आए हुए हैं, जानकारी ये दे देते हैं कि जो 500 रुपए से कम के जूते हैं उन पर 5% जीएसटी लगाया गया है, और जो 500 रुपए से ऊपर के हैं उन पर 18% जीएसटी लगाया गया है। अभी हालांकि क्योंकि जानकारी की जैसे आपने कहा, जैसे पहले भी इसी के आसपास 12-13% एक्साइज वगैरह, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स वगैरह वगैरह सब मिला के करीब करीब इतना ही पड़ता था, तो उसमें समझने वाली बात यह है कि 2-3 महीने में इसके रेट जो है अगर बढ़े लगे भी, वैसे तो इन्होंने सेल लगाई हुई है आपको बहुत अच्छे दामों पर मिलेगा ये, पर आगे जाके थोड़ा बढ़ के फिर ये घट भी जाएगा। तो आप ये बताइए 500 रुपए की चीजें तो पसंद ही नहीं आती जनरली, 500 की चीजें तो जनरली पसंद ही नहीं आती। कोई नहीं, आपको पसंद, आप अपने पसंद को बरकरार रखिए, पसंद को नीचे मत लाइए जीएसटी के वजह से, जो आपको पसंद हो वही लीजिए। नहीं तो उसमें टैक्स तो आपने, हाँ 18% कर दिया, पर वही मैं अफसाना आपको ये बता रहा हूँ कि टैक्स उसके धीरे धीरे आके कम हो जाएगा, और थोड़ा आपको सर्च करना पड़ेगा कि ऐसी 50% ऑफ की जो सेल है वो कहाँ पे लगी हुई जो आप कर रही हैं। बाय द वे कैसा लग रहा है आपको जीएसटी के पहले दिन, कैसा लग रहा है मैम? आई डोंट हैव एनी आईडिया। कोई भी आइडिया कुछ बताना चाहेंगे आप जीएसटी के बारे में? सुना होगा आपने, लेट्स सी आगे अभी क्या होता है, अभी तो हमें खाली स्लैब पता है दैट अंडर 500 लाइक इट्स 5% एंड अबव 500। आपकी सालाना बिक्री तकरीबन कितनी होगी? अभी नहीं, ये तो कैमरा पे नहीं बताना चाहेंगे, है ना? मैं बस जानना चाह रही थी, आप रजिस्टर हैं? रजिस्टर हैं आप? वी आर रजिस्टर्ड, पूरा एक नंबर का काम है कोई? नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही थी, मैं अगेन वो सवाल, वो इंटेंशन नहीं था, पर नहीं हम चलिए हम ये अपनी दुकान की नंबर्स को नहीं कैमरा पे लाना चाहते हैं, हम इनके भावों का आदर करते हैं, हम इनसे नहीं करेंगे। पर ये जो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, जानकारी नहीं है, जानकारी की कमी। देखिए मेन मार्केट है ये, साउथ दिल्ली की मेन मार्केट है, सेंट्रल मार्केट, उसमें इतनी बड़ी इनकी मशहूर दुकान है और बड़ी मौके की दुकान है, बिल्कुल बहुत अच्छे लोकेशन पे, तो अगर इनको जानकारी नहीं है तो जो दूसरे शहर हैं, जो दूसरे शहर हैं, छोटे शहर हैं भारत के, जहां दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर जानकारी कैसे होगी? और ये तो बहुत पढ़े लिखे मुझे लग रहे हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, पर जीएसटी की जानकारी ऐसा लग रहा है कि ग्राउंड लेवल तक सरकार ने
ज्यादा नहीं दी है। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक जिसका हम बार बार बात कर रहे हैं। बिल्कुल इनका कोई कसूर नहीं है, ये इनका इनकी सरदर्दी नहीं है कि ये जाके उसका करें। सरकार का एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि स्वतः वो इनकम वो जो इन्फॉर्मेशन है वो इन तक आ जाए और इनको या इनकी मार्केट एसोसिएशन है जो भी है। यहाँ पे पता लगा मुझे वैट कमिश्नर भी आए थे पीछे, तो कितने लोगों ने उसमें भाग लिया उस सेशन में मैं नहीं जानता, पर ये जानकारी की कमी जो है जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ा एक एक बाधा का कारण बन सकता है। बड़ी दुकानों से निकल करके अब हम एक ऐसी दुकान पर आ पहुंचे हैं जो जीएसटी के दायरे से बाहर है, लेकिन सवाल ये है कि क्या दुकानदारों को पूरी जानकारी है इस बारे में। राहुल है मेरे साथ में। राहुल, कैसा लग रहा है, पहला दिन है, जीएसटी के बारे में क्या जानकारी है आपके पास? मैम, जानकारी तो ऐसा है कि अभी आज स्टार्ट है, फर्स्ट डे है, तो अभी पता लगेगा मार्केट में कस्टमर आता है नहीं आता है या किस हिसाब से हमें आगे सेल करनी है क्या है, वो सब अभी पता लगेगा थोड़ी देर में। भैया गए हुए मेरे पता करने। अच्छा, आप रजिस्टर हैं? अभी तक तो नहीं है। नहीं है शरद, अगर तो ये रजिस्टर नहीं है क्या फर्क पड़ेगा, क्या लोग इनसे खरीदेंगे? जी हाँ, अगर 20 लाख से ऊपर इनकी सालाना टर्नओवर है तो इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसकी जानकारी है, मैं अभी इनसे बात कर रहा था, इनको मालूम है कि 20 लाख से ऊपर। पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनके लिए मुद्दा ये है कि अगर ये जब तक अनरजिस्टर्ड रहते हैं तो उसमें जिससे ये सामान खरीदेंगे अपना उसको इनका जीएसटी भरना पड़ेगा जब तक ये अनरजिस्टर्ड। तो उसका क्या होता क्या है राहुल जी, कि वो उनका वर्किंग कैपिटल फंस जाता है क्योंकि आपके बिहाफ पे वो जमा कराएगा तो उसके अपने पैसे जाके फंस जाते हैं। तो इसलिए जो लोग आपको माल दे रहे हैं, आप फोन कवर्स रख रहे हैं, अनब्रेकेबल ग्लास भी रख रहे हैं, तो ये लोग चाहेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो। आपको लगता है कि वो आपसे ज्यादा बिजनेस करना चाहेंगे अगर? बिल्कुल, अगर अगर बात वही है कि अगर हम रजिस्टर नहीं कराते अपनी शॉप को तो उस केस में ये होगा कि अगर वो हमारा टैक्स वो भरेगा तो हमें माल देने से भी मना कर सकता है। पर आपको नहीं लगता राहुल के आप चार्ज करते या वो अपनी जेब से देता, बात तो एक ही है, क्या फर्क है दोनों बातों में? फर्क यही है कि वो अपनी तरफ से अगर वो डबल भरेगा तो हमें माल देने से मना करेगा, तो बेस्ट है। यानी कि आप मानेंगे कि आपकी बिक्री पे फर्क पड़ेगा आगे चल करके? फर्क पड़ेगा। तो राहुल, आपको क्या लगता है, क्योंकि जीएसटी के बारे में आपको ठीक ठाक जानकारी है, क्या आप किस कदम को उठाने के बारे में सोच रहे हैं? क्या आपने आज पहले दिन से शुरुआत कुछ की है? अभी तो फर्स्ट डे है, शुरू करने लगे हैं। अभी देखो, अभी जीएसटी नंबर वगैरह सब लेना पड़ेगा। परेशान है आप? अभी तक तो पता लगेगा कस्टमर वॉकिंग से, तभी पता लगेगा। अदरवाइज कुछ बात से जो मुद्दा निकल के आया प्रांजलि के, रात को प्रधानमंत्री जी ने जो अपने भाषण में कहा, वित्त मंत्री ने जी ने भी कहा कि जो लोग अभी टैक्स के नेट से बाहर हैं, जिनको अभी तक टैक्स नहीं देना पड़ता था, वो लोग भी अब टैक्स में आ जाएंगे। और राहुल ना चाहते हुए भी मैं कहता हूं, अगर इनकी 20 लाख से कम भी रहती है राहुल, तो तब भी ये चाहेंगे कि मैं रजिस्ट्रेशन ले लूं, क्योंकि फिर जो ये माल खरीदते जाएंगे उस पर जीएसटी इनके सप्लायर को भरना पड़ जाएगा, और वो सप्लायर इनसे हो सकता है फिर डील ना करना चाहे। वो कहेगा साहब मुझे परेशानी हो रही है, मेरा पैसा फंस जाता है, तुम अपना रजिस्ट्रेशन कराओ यार, चार्ज करो मेरे से ले लो, ये हम तुम्हारे से दर्दी अपने से लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इन्होंने बात उठाई है, और यही एक मुद्दा है कि जिसमें अभी तक 80 लाख प्रांजलि जैसे हमने बात की थी, 80 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं एक्साइज में, वैट में, सर्विस टैक्स में। बहुत सारे व्यापारीगण आज की डेट में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनका जब रजिस्ट्रेशन अब होगा, जब वो नए नए टैक्स के रिजीम में आएंगे, तो उनका बेस जो बढ़ेगा सरकार का, यही बेस प्रांजलि टैक्सेस को कम करने में मदद करेगा। अच्छा, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, अभी हम जिन गलियों से गुजर रहे हैं, ये सारी जो छोटी दुकानें जो बिल्कुल फुटकर कहते हैं, बहुत बहुत छोटे व्यापारी जो होते हैं, पर इनको आप छोटा, ये आपको दुकान छोटी अवश्य दिख रही है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने बात की ना, बहुत महंगी मार्केट्स में से आती है। मैंने बात की ना कि जो जीएसटी के दायरे से ये लोग बिल्कुल अलग है। हाँ जी। तो ये हम कच्चे बिल और पक्के बिल की बात कर रहे थे शरद। ये वो दुकान है जो कि कच्चे बिल देते हैं तकरीबन, दे भी सकते हैं। हालांकि देखिए, अभी राहुल ने बोला कि हम कच्चे बिल नहीं देते हैं हमारा सारा। अब प्रांजलि, आप चैनल का कैमरा लेके पूछेंगे तो कुछ शायद ही कोई स्वीकार करे कि हम कच्चे बिल देते हैं, क्योंकि कच्चा बिल यहाँ पर एक नॉर्मल माना जाता था। पर जब चैनल या कोई यहाँ से शरद मुझे भी पता है, कोई सरकारी आदमी आए, हाँ वो आपको विजिटिंग कार्ड के पीछे लिख के दे देते हैं बजाय बिल बनाने के, परंतु ये स्वीकार कौन करेगा, ये एक प्रश्न चिन्ह। आइए इनसे पूछते हैं, सर आप बिल रेज करते हैं कस्टमर को? जी बिल्कुल, बिल रेज करते हैं जी, क्या वो विजिटिंग कार्ड के पीछे भी लिख के देते हैं? आपको लग रहा है आपका माल अब जीएसटी में आ जाएगा, कवर हो जाएगा? जी सर बिल्कुल। जानकारी है जीएसटी के बारे में आपको? नहीं मैडम। जीएसटी का फुल फॉर्म पता है आपको? नहीं। कल आपने टीवी देखा था? नहीं देखा था। क्यों नहीं देखा आपने? टाइम कहाँ मिलता है देखने का? देखिए, इनको फुल फॉर्म नहीं पता है, मैं इनको बता दूं फुल फॉर्म, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज इनके लिए मुश्किल होगा, मैं इनको बता देता हूँ। इसका मतलब है गए सारे टैक्स, ठीक है, ये तो याद रहेगा ना, तो ये तो आसान चीज बता दी आपको। या प्रधानमंत्री जी वाला ले लीजिए, गुड एंड सिंपल टैक्स उन्होंने रात को बोला है भाषण में,
तो आप वो याद रख लीजिए, गुड एंड सिंपल टैक्स, तो इसको लगाइए, आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, लोगों से चार्ज करें। आपके कुछ आइटम्स में मैं देख रहा हूँ 12% लग गया है जो रेडीमेड है, और जिनके पीछे ब्रांड लगा हुआ है उस पर तो 18% लग गया है। आपको शायद है जानकारी इस बात की? नहीं सर। क्या हाल है पहले दिन? कैसा लग रहा है जीएसटी सुबह सुबह शुरू हुआ है आपको? पहले दिन तो अभी तो मार्केट खुल रही है, देखना पड़ेगा। पर आपको कितनी जानकारी है जीएसटी के बारे में? बोलिए क्या चीज पूछना चाहते हैं? मतलब क्या रेट लग रहे हैं, कैसे रिटर्नें फाइल होंगी, माल जिससे लेंगे वो कितना चार्ज करेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है वगैरह वगैरह, कुछ ऐसा आपने कुछ है जानकारी? बेसिक जैसे पहले हमारी आइटम पे चप्पल पे या अच्छा आपकी चप्पल की दुकान है, वो है 500 रुपए के गारमेंट, 500 रुपए चप्पल पे नहीं था, 500 रुपए की चप्पल 500 पे 5% लग गया आपको पता लगा होगा, और 500 से ऊपर वाले पे 18% लग गया। आपको लग रहा है उससे बिक्री पे कोई फर्क पड़ने वाला? बिक्री पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या था कि 500 रुपए की चप्पल है उस पर टैक्स नहीं होना चाहिए था, क्योंकि गरीब आदमी की चप्पल है, गरीब आदमी की चप्पल। हाँ, वो 500 रुपए का जो गारमेंट था उस पर भी टैक्स नहीं होना चाहिए था। देखिए कुछ चीजों की बात करी, इन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि 500 रुपए जो कीमत रखी गई इसलिए रखी गई कि गरीब आदमी के पहुंच में रहे, जिसको बार बार वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री उदाहरण देते हैं कि साहब हवाई चप्पल और BMW पे एक ही रेट नहीं है। तो आगे सर इसका सरकार ने मैम GST के पहले दिन आप शॉपिंग करने के लिए निकली हैं, कैसा लग रहा है आपको? अभी तो आई कांट से एनीथिंग, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा लिया है नहीं। दुकान पे सामान खरीदने जाते हैं, क्या वो विजिटिंग कार्ड के पीछे लिख के आपको दे देते हैं, बिल नहीं देते हैं? ये नॉर्मल है क्या? ये नॉर्मल नहीं, वो कुछ भी नहीं देते हैं, जस्ट हमारे से पेमेंट ले लेते हैं। हाँ, तो क्योंकि कच्चे बिल का मैं देखिए दुकानदारों को दोष नहीं देता प्रांजलि, ये एक बहुत आम चीज थी, ये कोई बहुत अनोखी बात ये नहीं मानी जाती थी। आप वो बोलते थे मैडम बिल लेंगे आप तो हम 12% चार्ज कर लेंगे, आप बिल नहीं लेंगे तो ऐसे ही ले जाइए। तो ये एक बहुत नव यही रात को बात जो वित्त मंत्री प्रधानमंत्री ने कही कि जो ट्रेडर्स अब तक टैक्स के नेट में नहीं थे वो आएंगे, तो मैडम अब तो ये आपको बिल देंगे, तो आपको नहीं लगता सामान महंगा हो जाएगा? अभी जैसे मैंने हेयर डेवलपर लिया है तो उन्होंने मुझे बिल नहीं दिया, जस्ट मेरे से। तो कल को वो खराब हो गया या कुछ हो गया, फिर आप कैसे वापस करेंगे? वो नहीं लेंगे। तो आपने बिल मांगा उनसे? वो देते ही नहीं है कभी, वो जैसे फिक्स शॉप्स है हमें मालूम है हम यही बदलाव प्रांजलि, थैंक यू सो मच। यही बदलाव प्रांजलि अब आने वाला है। ऐसे दुकानदारों का इलाज कैसे हो? नहीं, यही तो बदलाव, उनका इलाज विलाज कुछ नहीं करना है, हम एक मार्केट में खड़े हैं, हमारे सारे व्यापारी भाई बंधु हैं, हम इनके साथ हैं, इनकी समस्याओं को समझते हैं। पर जो बदलाव आने वाला वो ये कि GST इनको काफी दुकानदारों को जो सिस्टम है वो मजबूर कर देगा कि उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जैसे अभी वो फोन वाले के यहाँ हम गए थे, उन्होंने कहा कि साहब मैं अब मुझे कराना ही पड़ेगा, चाहे मेरी उसने तो ये यहाँ तक कहा कि अगर 20 लाख से कम भी है तब भी मुझे कराना पड़ जाएगा। तो ये एक बहुत ही GST में अनोखी बात निकल के आएगी, आप देखिएगा। GST के पहले दिन के साथ हम आ चुके हैं एक खाने की दुकान पर, क्योंकि यहाँ पर भी आना उतना ही जरूरी था, बहुत सारे सवाल, उन सवालों के जवाब शरद मेरे साथ में। शरद, आपने कहा था ना कि खाने की चीज़ों पे भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा, ये ऐसे कोई नॉर्मल शॉप नहीं है, काफ़ी फेमस सी दुकान है ये सेंटर। जी हाँ, इनका जो यहाँ पर क्योंकि मुझे एयर कंडीशनर नहीं दिख रहा है तो मुझे लग रहा है इनके ऊपर 12% GST आज से लगेगा, पर अभी इन्होंने चार्ज करना शुरू किया नहीं किया ये हम भैया जो बैठे हैं यहाँ पर पूछते। आपने चार्ज करना शुरू किया है पहले दिन? मेरे को बताया नहीं गया है। क्या? अभी मैंने बिल का अटना स्टार्ट नहीं किया, इसलिए मेरे को बताया नहीं गया है GST का चार्ज नहीं गया, कुछ भी नहीं बताया गया है। अच्छा, तो आपको अगर ये बताया जाए कि अब आपसे 12% लेना है तो आप लेना शुरू कर देंगे इसमें से? तो मेरा काम ही है, वो तो मैं करूंगा ही। तो देखिए इसको फिर वही जानकारी नहीं, 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 शरद, लेकिन GST सबको पता था कि आज पहले दिन की शुरुआत हो रही, तो फिर इनको जानकारी तैयारी नहीं है, क्यों नहीं दी गई, क्यों आपको जानकारी नहीं दी गई? ऑनर के आने के बाद ही स्टार्ट होता है। अच्छा। इसलिए अभी तक जानकारी नहीं मिली हमको। अच्छा। अब वो आएंगे उसके बाद बिल कटना स्टार्ट होता है, अभी तो बस ये साफ सफाई चल रही है। हाँ, कोई भी ऐसी कोई बेसिक जानकारी आपके पास है, क्योंकि आप काफी टाइम से यहाँ पे बैठ करके बिल काटते, कोई बेसिक जानकारी GST के बारे में कोई नॉलेज नहीं मैम? तो देखिए प्रांजलि, जानकारी की कमी जो कि हमें जितनी भी जगह हम गए एक आध जगह को छोड़कर मैडम हमको ऑलमोस्ट सब जगह दिखाई। आपने बिल लिया? नहीं, बिल नहीं दिया। बिल नहीं दिया? अच्छा, GST के पहले दिन पहला सवाल तो हम हर किसी से आज पूछ रहे, कैसा लग रहा है आपको GST के युग में, कैसा लग रहा है? आई डोंट फेवर इट। यू डोंट फेवर इट? नो, आई डोंट। आई मीन फॉर द कॉमन मैन इज गोइंग टू सफर अननेसेसरीली, देयर आर बेसिक थिंग्स, बेसिक एमिनिटीज व्हिच वी आर गोइंग टू सफर अबाउट। ओके, यू आर स्टिल पेइंग VAT, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन VAT? पहले तो आप पे तो कर ही रहे थे। नहीं नहीं, कोई जैसे सम थिंग्स पे जो अननेसेसरी लगा है, जो हमारे डेली थिंग्स लाइक शैम्पू, सोप एंड ऑल दैट, वी हैव टू पे सो मच हायर दिस थिंग, दैट इज नॉट। बिंदी सिंदूर पे एग्जेम्प्ट कर दिया है, काजल पे लगा दिया है, काजल पे लगा दिया। आई मीन काजल इज समथिंग वी कांट डू विदाउट, एंड देन आई मीन सिंपल बेसिक डे टू डे नीड्स पे अगर आप बढ़ा दोगे तो दैट्स नॉट जस्ट। सी, सो दैट इज, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली,
जो हमको शॉपकीपर ने बताया वही इन्होंने बताया, जानकारी की कमी। बिकॉज आप सीधा अगर रेट रखेंगे तो ऐसा लगेगा ग्राहक को, बहुत नेचुरल है, इनका कहना बहुत स्वाभाविक है कि रेट आपने बढ़ा दिया है। तो ये जो जो ट्रिकलिंग डाउन ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, मुझे लगता है सरकार को प्रांजलि सारे लोगों से बात करने के बाद ये निष्कर्ष पे मैं निकालता हूँ कि जितनी जल्दी से जल्दी जानकारी दी जाएगी उतना ही सरकार को इसके जो नेगेटिव परिणाम है। लेकिन इन्होंने बिल भी नहीं लिया यहाँ से, इनको कोई बिल नहीं, क्योंकि वो जो भाई साहब थे वो कह रहे हैं कि अभी हमने बिल इशू करना शुरू ही नहीं किया। मैं पूछा भी नहीं बिल के लिए, आपको नहीं लगता कि अब क्योंकि आपको इतनी जानकारी तो होगी कि आप कच्चे बिल नहीं लेने चाहिए, पक्के बिल ही आपके लिए सही होंगे। एग्जैक्टली तो फिर क्यों आपने पूछा? इट वाज अ वेरी स्मॉल परचेज, 280 रुपए का बिल था मेरा, तो इसीलिए आई डिडंट इतना मतलब हम लोग मैं इनसे सहमत हूँ, हम लोग इतनी परवाह नहीं करते देखिए धीरे धीरे ये जानकारी जब ग्राहकों में आएगी तो अपने आप जो है वो लेना एक आदत बनाने वाली बात है। अभी आदत नहीं है तो नहीं है, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। मैं भी शायद कई जगह भूल जाता हूँ लेने के लिए। मैम थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। जीएसटी के बारे में सर कोई इन्फॉर्मेशन आपको आज पहला दिन है, क्या आप शॉपिंग करने के लिए निकले हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी। मन में क्या कोई सवाल है आपके? एक्सपर्ट है हमारे साथ में जीएसटी गुरु। एक्चुअली जो गवर्नमेंट तो जो कह रही है कि सभी चीज़ें कुछ सस्ती होंगी, बट प्रैक्टिकली जब शॉपकीपर से बात हो रही है तो उनको लग रहा है कि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ, मतलब क्या लेने आए हैं सर आप? हम तो जनरली गिफ्ट आइटम या कुछ क्लॉथिंग गिफ्ट लेने आए हैं। हाँ। तो आपको लग रहा था कि आज सुबह जाएंगे तो कुछ महंगा मिलेगा या सस्ता मिलेगा? था कि मार्केट बंद ना हो। बंद ना हो, हाँ देखिए क्योंकि ट्रेडर्स ने काफी दिन से बंद भी करी हुई थी, करने का वो था। पर आपको खुली मिली दुकान? ये दुकानें शॉप्स तो नॉर्मली है जो चल रहा है। तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको पहले से सस्ता मिलेगा कि महंगा मिलेगा? अब कुछ चीजों पे जो किया है अभी उसका इफेक्ट एकदम तो अभी नहीं होगा, लेकिन ये कि धीरे धीरे जो देखिए इन्होंने आखिर वो बात कही दी कि धीरे धीरे करके जो है ये रिसाव, सुना है ना आपने पानी का रिसाव होता है, देखिए बिल्डिंग में सीलन आ रही है, ऊपर से बारिश आती है ना तो रिसाव उसका धीरे धीरे आता है। मुझे लग रहा है ये रिसाव का केस है, आहिस्ता आहिस्ता करके ये इन्फॉर्मेशन ग्राहक तक पहले दुकानदारों के पास पहुंचेगी, फिर कुछ जानकार ग्राहक, ये पढ़े लिखे ग्राहक हैं, इनके पास पहुंचेगी और करते करते 2-4-6 महीने में जो है सब जीएसटी युग पूरी तरह से छा जाएगा। शरद बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो भी वक्त दिया हो और सेंट्रल मार्केट में आपने जो भी समझाया लोगों को जीएसटी के उस क्लासरूम से निकल करके, मुझे लगता है कि वो सारी जानकारी आपके काम लायक होगी। आज पहले दिन हमने ये पाया कि लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन ज़्यादा है, लेकिन लोग इस बात को लेकर भी काफ़ी आश्वस्त है कि धीरे धीरे वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और जीएसटी के इस युग को हर कोई अब आगे आने वाले वक्त में स्वीकार भी करेगा। आगे आप सब देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।